नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा करण धीमान, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। करण धीमान, इनका पूरा नाम है दीवान करण चोपड़ा। इनका जन्म 6 नवंबर 1917 को हुआ था। करण दीवान, तीन भाई में सबसे छोटे करण दीवान चोपड़ा का जन्म 6 नवंबर 1917 को गुज्जरवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। और उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई लाहौर से की। वो पत्रकारिता और संपादन के लिए अपनी फिल्मी पत्रिका शुरू की, जो उर्दू में थी, नाम था जगत लक्ष्मी। जिन स्थानीय वितरकों से उनकी मुलाकात हुई उनमें से एक थे तारा चंद बड़जातिया, जो उस समय लाहौर में चंदन मल इंदर कुमार के वितरक कार्यालय के प्रबंधक थे। बढ़ जाते के साथ अपने संबंध के माध्यम से वे कलकत्ता पहुंचे और 1939 में पंजाबी भाषा की फिल्म पूरन भगत में पूरन के रूप में अभिनय की शुरुआत की। दीवान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1939 में कलकत्ता में पंजाबी में बनी फिल्म पूरन भगत में पूरन की भूमिका से आरंभ की। ये राय साहब सुखलाल करनानी द्वारा निर्मित और रूप के शौरी के पिता आर एल शौरी द्वारा निर्देशित थी। उनकी दूसरी फिल्म मेरा माही 1940 भी एक पंजाबी फिल्म थी, जिसका निर्देशन लाहौर में शंकर मेहता ने किया था और इसमें रागनी और मनोरमा ने अभिनय किया था। ये फिल्म में महान संगीत निर्देशक श्याम सुंदर ने किया था। फिल्म में पहली बार गाने गाए थे, बाद में रतन में उन्होंने नौशाद के लिए पहली बार हिंदी फिल्म में गाना गाया। उस समय लाहौर में एक फिल्म पत्रिका के रूप में काम कर रहे थे बी आर चोपड़ा। उन्होंने करण दीवान को देविका रानी से मिलवाने में मदद की। करण दीवान बम्बई में आ गए उनके आमंत्रण पर, लेकिन करण दीवान को देविका रानी से कोई फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने अभिनेत्रियों को उर्दू उच्चारण सिखाना चालू कर दिया। सन 1944 में करण दीवान ने एम सादिक द्वारा निर्देशित एक संगीतमय रोमांटिक ड्रामा रतन में अभिनय किया, जो उस वर्ष की सबसे लोकप्रिय फिल्म थी। एक जबरदस्त हिट इसने दीवान को सोनलता के साथ जोड़ दिया। संगीत निर्देशक नौशाद थे, जिन्होंने फिल्म के सभी गायकों को भेज दिया था, जैसे कि जोहराबाई अंबाला वाली, अमीरबाई कर्नाटकी, राजकुमारी वाराणसी वाली, तुनतुन उमा देवी और स्वयं करण दीवान सहित सभी को गाने का ब्रेक मिला। फिल्म में गाने जो थे वो बहुत लोकप्रिय हुए। दीवान और जोहराबाई अंबाला वाली द्वारा गाया गया गीत सावन के बादलों दीवान और स्वर्ण लता पर फिल्माया गया और दोनों ही जबरदस्त हिट हुए और उन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सन 1944 में रामा चौधरी द्वारा लिखित और निर्देशित एक सामाजिक फिल्म थी। निर्माता थे नानू भाई देसाई। उनके एन आर देसाई प्रोडक्शन के बैनर तले ये पिक्चर बनी थी। इसमें मंजुला और याकूब के साथ दीवान सह अभिनीत फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफलता प्राप्त हुई। सन 1945 में भाईजान एक सफल मुस्लिम सामाजिक पारिवारिक मेलोड्रामा था, जिसमें दीवान ने नूर जहां, शाह नवाज मीना यानी कि शोरी और अनीस खातून के साथ अभिनय किया। संगीत श्याम सुंदर ने तैयार किया था। यह फिल्म यूनाइटेड फिल्म नामक एक छोटे कंपनी की शुरुआत थी। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी फिल्म। एक और मुस्लिम सामाजिक जो उस वर्ष की बड़ी सफल रही, विशेष रूप से इसमें प्रमुख महिला
नूर जहान ने जीनत का रोल किया। शौकत हुसैन रिजवी द्वारा निर्देशित इसमें नूर जहान द्वारा गाए गए कई लोकप्रिय गीत और इसमें संगीत दिया था मीर साहब। सन 1947 में नरगिस बेगमपारा और दीवान ने मेहंदी में अभिनय किया। ये फैजल द्वारा निर्देशित फिल्म थी। सन 1948 में दीवान ने फिर अपना स्वर्णलता के साथ चांद चकोरी, मीना कुमारी के साथ पिया घर जैसी फिल्मों में अभिनय किया। पिया घर आजा रंजित मूवी टोन के लिए प्रहलाद दत्त द्वारा निर्देशित एक सामाजिक फिल्म थी। इसमें दीवान को मीना कुमारी, आगा जान और एस एन त्रिपाठी के साथ सह अभिनय किया, जिसका संगीत बुल्लो सी रानी ने दिया था। फिल्म को रंजित की साफ सुथरी फिल्म कहा गया। मीना कुमारी जो उस समय अपनी दूसरी फिल्म में मुख्य भूमिका में थी, उनके अभिनय की जबरदस्त सराहना हुई। 1948 में उद्यान विभाजित पंजाबी भारत में फिल्म रूप जो है रूप शौरी द्वारा निर्देशित, करण दीवान, मीना शौरी और कुलदीप कौर अभिनीत एक बड़ी हिट फिल्म बनी। संगीतकार विनोद का मधुर संगीत था जो बहुत लोकप्रिय हुआ। फजली ब्रदर के बैनर तले एस एफ हसनैन द्वारा निर्देशित दुनिया जो 1949 में सी रामचंद्र ने इसमें संगीत दिया था और सुरैया ने करण दीवान साथ में याकूब और शकीला के साथ जबरदस्त अभिनय किया। लाहौर 1949 विभाजन के प्रभाव पर आधारित फिल्म में नरगिस के साथ दीवान सह कलाकार थे। इसका निर्माण उनके भाई जयमानी दीवान ने किया था। 1950 में दीवान ने 6 फिल्मों में अभिनय किया जिसमें से 3 एम सादिक के साथ थी। एम सादिक द्वारा निर्देशित अनमोल रतन का निर्माण जयमिनी दीवान ने किया था। इसमें मीना शौरी मीना के रूप में थी और निर्मला ने सह अभिनय किया था। फिल्म में विनोद द्वारा संगीत दिया गया था, जिन्होंने अपने पहले हिंदी फिल्म के लिए तलत महमूद का इस्तेमाल किया था। हालांकि आरजू 1950 के बाद एक फिल्म जिसमें अनिल बिश्वास ने संगीत दिया था पहले रिलीज हुई थी। पहले तलत गीत आरजू से ए दिल मुझे ऐसी ये गाना गाया था। सादिक द्वारा निर्देशित सिल्वर जुबली हिट परदेश में मधुबाला और रहमान एक सामाजिक पारिवारिक नाटक में थे जिसमें गुलाम मोहम्मद का संगीत था। सादिक द्वारा अपनी सादिक प्रोडक्शन के लिए निर्देशित सबक में मुनव्वर सुल्तान और श्याम के साथ दीवान ने अभिनय किया। संगीत अल्लाह रखा कुरैशी का था। दहेज 1950 दहेज प्रथा की बुराई के बारे में मेलोड्रामा था। इसमें वी शांताराम ने अपने राजकमल मंदिर के लिए निर्देशित किया था। दीवान ने शांता के लिए 2 फिल्मों में काम किया, ये उनकी पहली फिल्म थी। कलाकारों में वसंत देसाई के संगीत के साथ पृथ्वीराज कपूर, करण दीवान और जयश्री शामिल थे। सन 1951 में करण को बॉक्स ऑफिस की सफलता मिली बहार में। इसमें वैजयंती माला ने अपनी पहली हिंदी फिल्म में काम किया था। इसे AVM प्रोडक्शन के लिए AV रमन द्वारा निर्देशित किया गया था। संगीत एन दत्ता और सहयोग HD वर्मन द्वारा तैयार किया गया था। वैजयंती माला के शब्दों में कहा जाए तो ये फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया। 1953 में दीवान ने शांताराम के साथ अपनी दूसरी फिल्म में अभिनय किया 3 32 4 रास्ते। राष्ट्रीय एकता पर एक सामाजिक पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा था। इसमें दीवान शरार, संध्या और शकीला के साथ दीवान ने अभिनय किया। संगीत श्री रामकृष्ण ने तैयार किया था। आग अखदरिया 1953 में बनी शौर्य फिल्म के लिए रूप के शौरी द्वारा निर्देशित फिल्म थी। इसमें पृथ्वीराज कपूर, मीना शौरी, जानवी वाकर और दीवान ने अभिनय किया था। सन 1955 में 8 फिल्मों के साथ एक व्यस्त वर्ष था। उस वर्ष उन्होंने जिन निर्देशकों के साथ काम किया उनमें ओम प्रकाश से लेकर दुनिया गोल है, ओम प्रकाश दुनिया गोल है, शक्ति सामंत, बहू, रूप के शौरी, जलवा, धीरूभाई देसाई, ऊंची हवेली, एम सादिक का दुर्लभ हास्य नाटक उद्यम, मुसाफिर खान एक सामाजिक कॉमेडी थी जिसमें अलग अलग जगह से 3 लोग बंबई में मिलते हैं। दीवान, ओम प्रकाश, जानी वाकर 3 किरदारों ने अपने जबरदस्त अभिनय से इस पिक्चर को हिट बनाया। सादिक प्रोडक्शन द्वारा निर्मित थी। इसमें OP नैयर का संगीत था। सन 1956 में दीवान ने
एम सादिक के एक अन्य प्रोडक्शन में अभिनय किया। श्याम, अनिता गुहा और जानी वाकर के साथ अभिनीत छू मंतर संगीत ओपी नैयर ने तैयार किया था। 1958 में चंदन एक पारिवारिक मेलोड्रामा का निर्देशन एम वी रमन ने किया था। गीत गीता दत्त द्वारा गाए गए थे। आंख मिलाने के लिए जैसे लोकप्रिय गाने हिट हुए और सह कलाकार थे नूतन, माला सिन्हा, किशोर कुमार और जानी बाकर। 1960 में अपने घर के साथ दीवान को सहायक किरदार निभाने के लिए फिल्म का निर्माण राम पाहवा ने किया और इसमें प्रेमनाथ, श्याम और नंदा ने मुख्य भूमिका निभाई। संगीत निर्देशक रवि थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया। शहीद 1965, आमने सामने 1966, जिने की राह 1969, माँ और ममता 1970, नादान 1971, शहजादा 1972, जलते बदन 1973 शामिल है। काला सोना 1975, भावर 1976, आत्माराम 1979। दीवान ने अभिनेत्री गायक मंजू से शादी की, जिन्होंने पहले 1949 में आदमी और इसके मूल मराठी संस्करण मानुष में एक चरित्र भूमिका में काम किया था। उन्होंने 6 साल तक फिल्मों में काम किया, विशेष रूप से मोतीलाल द्वारा बनाई गई एक छोटी लेकिन खूबसूरत फिल्म जिसका नाम था छोटी छोटी बातें। दीवान की सबसे मशहूर फिल्म रतन में अभिनय करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने काम करना बंद कर दिया। दीवान और मंजू के 5 बेटी और 2 बेटे थे। 2 अगस्त 1979 को मुंबई महाराष्ट्र में दीवान का निधन हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और 2 बेटे थे। 2 अगस्त 1979 को मुंबई महाराष्ट्र में दीवान का निधन हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।
दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।